संपत्ति के लालच में लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, फिर लोग अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आया है, जहां संपत्ति के लालच में कलयुग की पोते ने अपनी ही 106 साल की दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां संपत्ति के लालच में इस्लाम पटेल पिता रोशन पटेल निवासी खजराना ने अपनी ही 106 साल की दादी बिस्मिल्ला बीम पर हमला कर दिया। लालची पोते ने दादी को उठाकर भी फेंक दिया, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई। दादी को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है कि एक पोते ने अपनी दादी जो कि 106 साल की है बिस्मिल्ला भी, उनको संपत्ति विवाद के कारण मकान चूंकि वो अपने नाम पे कराना चाह रहा था, उसी विवाद में उसने उनको उठा के ज़मीन में पटक दिया, जिससे उनको काफ़ी चोटें आई हैं और उनकी खुले की हड्डी भी टूट गई है और पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। ये इस्लाम पटेल नाम है, पिता रोशन पटेल आरोपी का नाम है और ये गांधीग्राम की इधर रहता है और उसकी पुलिस तलाश कर रही है। महिला की डॉक्टर ने कहा उसको काफ़ी चोट है और चूंकि कूल्हे की हड्डी उनकी टूट गई है तो उसके लिए डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी गंभीर चोट है। फिलहाल मामले में खजराना पुलिस ने आरोपी लालची पोते इस्लाम पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।